नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यमेव न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानसी आचार्य। वक्त हो चला है खास खबर का। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के जौरा थाने में पदस्थ टीआई दीप सिंह सेंगर का एक ऑडियो व्हाट्सएप पर वायरल हो रहा है। इस ऑडियो में टीआई ने एक युवती के जीजा को थाने में बंद से छोड़ने की एवज में होटल में आने के लिए कहा और इस ऑडियो के वायरल होने के बाद एसपी अमित सांगी ने टीआई को लाइन अटैच कर मामले की जांच कैलारस एसडीओपी सुधीर सिंह को सौंपी है। आपको बता दें कि गुरुवार को मुरैना में व्हाट्सएप और सोशल ग्रुप पर एक ऑडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वायरल ऑडियो में जौरा टीआई दीप सिंह सेंगर और एक युवती के बीच 18 मिनट 9 सेकंड की बात हुई। वायरल ऑडियो में टीआई बार बार युवती से मिलने के लिए दबाव बना रहा था और युवती 2-3 दिन बाद मिलने के लिए कह रही थी। ऑडियो में टीआई ने युवती से कहा कि पुलिस के बड़े अधिकारी हैं और समझाने का उन्हें प्रयास मत करो। टीआई ने युवती से कहा कि जब तक तुम रूम में नहीं आ जाती तब तक तुम्हारे जीजा को नहीं छोड़ा जाएगा। चलिए अब आपको सुनाते हैं वो ऑडियो जिसके कारण खाकी शर्मसार हुई है। हेलो जी। हाँ जी, बताइए। हमें क्या बताना है, आप बताओ। हेलो, मुझे कुछ नहीं बताना, आप नाराज हो तो मैं क्या बताऊँ। मैंने सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट की थी कि यार मेरे को पूरा कुछ जो चीज समझ में नहीं आ रही, कोई बात समझ में नहीं आ रही तो समझा दो मेरे को। तो आपको तो 2 मिनट बात करने में बड़ी परेशानी है, क्या करूं। हेलो, मैं आपसे परसों बात करती हूँ। कब? अभी मेरा फोन में थोड़ी दिक्कत हो रही है। कितनी देर बाद बात करेंगे? परसों। परसों में तो अभी 48 घंटे हैं। हाँ, तो मैंने उनसे भैया से टाइम मांगा है ना। चलो छोड़ो, मत परेशान हो। सीधी सी बात यह है कि आप तो हमको लाइक ही नहीं करते। हम ही चले जाते हैं, आप हमको लाइक ही नहीं करते, हम ही चले जाते हैं। छोड़ो कि अभी इसी वक्त चले जाते हैं, इसी वक्त अभी 5-10 मिनट के अंदर ही हम होटल छोड़ देंगे। आप लोग इतना चेहरे ही नहीं दिखाएंगे। नहीं, आप बहुत तकलीफ है, हमको बड़े नाराज हो। नहीं, वही बात है। पूरे दिन आप दुनिया भर से बात करते हो, वो कोई बात नहीं। नहीं, वो तो मैं मम्मी से अपनी करती रहती हूँ। अरे यार, फालतू बात मत करो जान भैया, मैं बहुत बड़ा ऑफिसर हूँ, मेरे वो सब समझ जाते हैं, है ना। दुनिया से बात करते हो तो कोई तकलीफ नहीं, 2 मिनट हम तो बात करने में बड़ी भारी तकलीफ हो गई। और वहाँ जाके आपने बात करी, जहाँ कुछ आवाज ही तो नहीं दे रही, वहाँ पे आवाज आ ही नहीं रही थी। चलो कोई बात नहीं, आपको नाराज होने की जरूरत नहीं है। आप अपनी मर्जी के मालिक हो, आप अपना काम करो, मैं काम कर रहा हूँ, उसमें क्या दिक्कत है। नहीं, आज का बस टाइम दो आप, मैं सोच के आपको कल बता दूँ। क्या? आज का टाइम दो आप, कल मैं बता दूँ। अब परसों से कल पे आ गए हो तो कल से आज पे ही है, या उसमें क्या दिक्कत। नहीं, तो फिर उसको रात भर रहने दो, नवालात में जेल में रहने दो, फिर रात भर में उसकी बुद्धि समझ में आई तुम्हारे जीजा जी की। उसमें डंडे पड़ेंगे ना उल्टा लटका के उसको। आपने उस चीज मतलब उसके लिए आपने उन्हें अंदर कर दिया? मैंने क्या कर दी? तो मैं बोल रही हूँ ना, आप टाइम दो, कल कल से भी बात करती हूँ ना। तुम्हें छोड़ सकती नहीं बात करने की? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आप उन्हें छोड़ दो बस। तुम्हें टाइम ही नहीं है मेरे से बात करने का, आप उन्हें छोड़ दो। मैं तो 1 मिनट में बोल दूंगा, छूट ही जाएंगे उसमें क्या। तो ठीक है, लेकिन ये कोई बात नहीं है यार, दुनिया से तो बात करते हो। मेरा फोन बंद हो गया था वहां पे। अभी मैंने आके वहाँ से मेले से तुरंत चार्जिंग पे लगाया, तभी अभी मैंने फोन खोला है।
यार सीधी सी बात कहो ना, हमसे नफरत करते हो, एक बात एक लाइन बोलो कि हम आपसे नफरत करते हैं, बात खत्म। मैं 5 मिनट में अपना रूम खाली करके चला जाऊंगा आपसे बहुत दूर, कभी जीवन में सकल नहीं दिखाऊंगा। लेकिन दूसरी एक और लाइन सुन लो भाई, सिर्फ 1 मिनट और आपके टाइम, सिर्फ 1 मिनट सुनना चाहो तो बोलो। मैं ऐसा आदमी जो जीवन भर साथ निभाने वाला आदमी हूँ, इस जगह जहाँ भी आप रहोगे ना पूरा साथ निभाऊंगा, जहाँ भी पूरे एमपी में। अब आपकी मर्जी है, जब भी आपको मौका लगेगा और जब भी आप कोई परेशानी में होगे, जब भी आप फोन करोगे, आधी रात को भी आपके सामने खड़ा हूँ, आधी रात को भी। तो आप मुझे सोचने का टाइम तो दे सकते हो कल, आज तो मैं तुम्हें सोचने का कल नहीं, मैं तुम्हें आधी जिंदगी दे सकता हूँ। और मुझे कोई बहुत ज्यादा, मुझे कोई बहुत ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता लोगों से, तुम्हें आप जैसे लोगों से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, टाइम दो या ना दो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और ये भी मैं सोच रहा है, मैंने उसको बंद कराया है, मुझे बंद कराने के बहुत सारे तरीके आते हैं और राजधानी से पॉइंट आया था उसका भोपाल से, उसके नाम में उसकी आईडी में 2-3 अंतर है, इसलिए वो बंद हुआ, ठीक है। अभी आपके रूम में आ रही हूँ, 1-2 मिनट के लिए आपसे बात कर रही हूँ। हालांकि इस ऑडियो की पूर्ण रूप से सही होने का दावा हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस पर अभी जांच जारी है। इस सिलसिले में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जोरा से SDOP सुधीर कुशवाहा जी जुड़ चुके हैं। जी सर बताएं, क्या है ये पूरा मामला और किस प्रकार से इसकी जांच की जा रही है अभी? हाँ कल ही ये आडियो वायरल हुआ था जी, अभी चूंकि ये फेक आडियो है या ओरिजिनल आडियो है, इसका मतलब जांच रिपोर्ट आज मेरे भी आदेश से ताजी की गई है जी, और मैं इसमें जांच करके जैसी तो इस तरह के सर जब ये मामला सामने आते हैं तो इस तरह से डिपार्टमेंट पर एक दाग लगता है, तो जो ये सारा मामला आया है जिसमें ये ऑडियो में जिसकी आवाज है, उस तरह से तो पता लग रहा है कि ये ऑडियो सही माना जा सकता है, तो अभी तक उन ऑफिसर पर कोई कार्रवाई की जा रही है या नहीं? सर जो ये युवती है उसके जीजा को जेल में बंद कर दिया गया था, उसका क्या मामला है, किस वजह से उसे जेल में बंद कर दिया गया था और जिसकी एवज में लड़की को बुलाया जा रहा था? अभी इस संबंध में कोई सत्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है कि उसकी जिया को बुलाया गया है जी, क्योंकि मेला लगा था, मेले में ये जो डांस उसका आपी है जी, प्रथम दृष्टया पता पड़ा है। इस संबंध में क्योंकि मेला लोकल है या बाहर की है जी, जब भी जांच में ये सब लोग तथ्य सामने आएंगे इसके आधार पर ही मेदारी कार्रवाई की जाएगी जी। तो अभी इसे पुख्ता तौर पर नहीं माना जा सकता, इसे हम ये नहीं कह सकते कि ये ऑडियो जो वायरल हो रहा है वो 100% सच है या नहीं। हाँ बिल्कुल, ये कहना चाहते हैं जब तक ऑडियो का जो उसकी ओरिजिनल जांच नहीं हो पाएगी जी, तब तक इसकी सत्ता के बारे में नहीं कहा जा सकता। जब तक पूरी जांच निकल कर सामने आएगी तभी तथ्य निकल कर सामने आएगी, तभी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपकी इस जानकारी के लिए। तो ये थे जोरा से SDOP कुशवाहा जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से एक ऑडियो वायरल हुआ है, लेकिन उसकी अभी जांच जारी है, तो इस वजह से इससे हम सही नहीं मान सकते पूर्ण रूप से। इस वजह से अभी तक कोई ऐसी ठोस कार्यवाही TI को लेकर नहीं की गई है। हालांकि बताया जो जा रहा है वो यही बताया जा रहा है कि इस तरह से एक वारदात हुई है जिस वजह से एक युवती के जीजा को पहले जेल में बंद कर दिया गया। हालांकि ऑडियो में ये साफ साफ समझ में आ रहा है कि एक अधिकारी है जो एक युवती पर दबाव बना रहा है इस बात को लेकर, और कह रहा है कि तुम्हारे जीजा को नहीं छोड़ेंगे उसे जब तक उल्टे लटकाकर डंडे नहीं मारे गए, तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक तौर पर जांच की जा रही है और तब तक के लिए हम इस ऑडियो को पूर्ण रूप से सही नहीं ठहरा सकते।